और वो भी महागठबंधन का हिस्सा है, तो फिर हम सीपीआई को क्यों मदद नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो हम फिर से टिकट ऐसी परिस्थिति में हमने दे दी। मैं ये मुझे मुझसे कोई पूछ नहीं, मेरी जहां तक मान्यता है। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। पुण्या से नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव ने बीमा भारती को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है, यहां तक कांग्रेस को नसीहत भी दे डाले हैं। बता दें आपको कि पप्पू यादव ने साफ ऐलान कर दिया है कि राजद ने अपने प्रत्याशी को यहां पर ला खड़ा किया है, उनका समर्थन बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ये बात बीमा भारती को लेकर पप्पू यादव ने कहा है। पप्पू यादव ने कहा है कि बीमा भारती को चुनाव लड़ाया क्यों जा रहा है, यहां तक जो बातें कही जा रही थी कि सीपीआई एमएल के दावेदार को यहां पर उतारा जाएगा, यहां से उपचुनाव लड़ाए जाएंगे, लेकिन बीमा भारती को यहां से फिर से उतारा गया है। देखिए बीमा भारती को लेकर काफी अटकलबाजी जारी थी, हालांकि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने मिलकर बीमा भारती को टिकट दे दिया है कि उपचुनाव वो लड़ेंगे। हालांकि पप्पू यादव से जब यह सवाल पूछा गया कि क्या बीमा भारती के लिए वो प्रचार करेंगे, क्या उनके समर्थन में वो खड़े होंगे, क्योंकि आपको बता दें कि पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत रुपोली विधानसभा आता है, यहां पर बीमा भारती के इस्तीफे देने के बाद ये सीट खाली हुई, जिसके बाद यहां पर उपचुनाव कराया जा रहे हैं। हालांकि जदयू ने अपने कैंडिडेट को यहां पर खड़ा किया है, लेकिन राजद की तरफ से पहले की बात आपको बताया तो काफी कंफ्यूजन था प्रत्याशी को लेकर, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने यहां पर ठाना कि बीमा भारती यहां से चुनाव लड़ेगी। लेकिन पप्पू यादव ने खुले तौर पर कह दिया है कि बीमा भारती को समर्थन नहीं देंगे, ना ही उनके लिए प्रचार करेंगे, और यहां तक तो कांग्रेस को नसीहत दे डाले हैं पप्पू यादव अपनी खुद की पार्टी कांग्रेस को। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के कोई भी नेता बीमा भारती के लिए प्रचार ना करे, ना ही उनके समर्थन में खड़े हो। देखिए पप्पू यादव की यहां पर नाराजगी झलकी है, इसी वक्त आपको सुनाते हैं कि पप्पू यादव ने क्या कुछ बातें कही है। बात नहीं है, और ऐसे समय में कांग्रेस और राजद को सोचना चाहिए कि यदि आप किसी को ऐसे घटना के बाद टिकट देते तो इनका संदेश क्या जाता है। कांग्रेस के जो प्रदेश के नेतृत्व ने विचार, जब सीपीआई वहां चुनाव लड़ रही थी और सीपीआई ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी और वो भी महागठबंधन का हिस्सा है, तो फिर हम सीपीआई को क्यों मदद नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो हम फिर से टिकट ऐसी परिस्थिति में हमने दे दी। मैं ये मुझे मुझे मुझसे कोई पूछ नहीं, मैं किसी भी परिस्थिति में सीपीआई यदि चुनाव लड़ता है तो निश्चित रूप से क्षेत्र के लिए और कांग्रेस को सीपीआई को मदद करनी चाहिए। मैं मेरी जहां तक मान्यता है, कांग्रेस को किसी भी कीमत पर दागदार और ऐसे चेहरों को मदद नहीं करनी चाहिए जिसका आज समाज में आलोचना हो रहा हो और समाज इस घटना से दुखी। इंडिया गठबंधन को आप समर्थन करते हैं तो इंडिया गठबंधन की उम्मीद। देखिए काफी दिनों से सवाल जारी हो रहा था कि क्या पप्पू यादव बीमा भारती के लिए चुनावी प्रचार करेंगे, क्योंकि पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं, अगर वो बीमा भारती के लिए प्रचार करते हैं तो काफी अच्छे बहुमत से बीमा भारती जीत सकती हैं, लेकिन पप्पू यादव यहां पर अपना घाटा नहीं सहना चाहते हैं, इसी वजह से उन्होंने पिछले जंग को याद करके ये दावा कर दिया है कि बीमा भारती को समर्थन नहीं देंगे। खुले तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सीपीआईएमएल के कैंडिडेट को यहां पर उतारा जाता तो शायद पप्पू यादव पूर्ण रूप से बहुमत के लिए समर्थन करते और प्रचार भी करते। यानी कि पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं को यहां पर बुलाया जाता और यहां पर बीमा भारती के सपोर्ट में इस वक्त आपको बताएं तो पप्पू यादव कतई नजर नहीं आ रहे सपोर्ट में। यही बात बन जा रही है कि पप्पू यादव ने हाल फिलहाल में भी बयान दिया था इससे
पहले कि बीमा भारती को कैंडिडेट के रूप में नहीं उतारा जाए, क्योंकि वो जदयू से पिछली बार चुनाव लड़ी थी और जीती थी। हालांकि इस वक्त लोकसभा में जो नतीजे आए थे उससे ये खासा बयान जारी भी हुआ था और दावा भी किया जा रहा था कि बीमा भारती शायद इस वक्त उपचुनाव के लिए तैयार नहीं है और ना ही जनता उन्हें पसंद करने वाले। लेकिन पसंद ना और पसंद करे दोनों अलग बात हो जाती है, लेकिन पप्पू यादव जो कि काफी अच्छे चेहरे और यूं कहें तो पूर्णिया लोकसभा के लिए काफी खासम खास चेहरे माने जा रहे हैं, तो उनका समर्थन राजद को नहीं मिलना ये काफी भारी पड़ सकता है बीमा भारती के लिए। हालांकि बीमा भारती उनका कहना है कि वो काफी अच्छे मतों से जीतने वाली है। हालांकि आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।